जय हिंद कमांडोज, आप सभी का स्वागत है आपका चैनल सोल्जर लाइफ में। आज एक नए टॉपिक, नए विषय के साथ आप सभी का स्वागत है। टॉपिक क्या है? टॉपिक है सर, आईटीबीपी क्या है, आईटीबीपी का ड्यूटी क्या है, आईटीबीपी में सैलरी क्या है, आईटीबीपी में पढ़ने का टाइम मिलेगा कि नहीं, फैसिलिटीज़ क्या है फैमिली के लिए। बहुत सारे कमेंट आया कि सर आपने सीआरपीएफ का बना दिया, बीएसएफ का बना दिया, अब आईटीबीपी कब आ रही है। तो मैं भी सोचा कि ठीक है आईटीबी पर बनाया जाए, लेकिन मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन, मेरी कोशिश रहता है कि मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक लाऊं वो कम से कम 100% श्योर हो, प्योर हो। ये नहीं कि मैं कुछ भी करके आपको दे दूं एक वर्दी के नाके, नहीं। मैं जब अपने एक दोस्त से बात की जो आईटीबी पे मेरे साथ भर्ती हुआ था, उनसे मैं पूछा उस बल के बारे में, तो उन्होंने जो बताया मैं वो नोट करके आपको आज बताने वाला हूँ। और आप देखें और समझे कि आप अगर आईटीबीपी को अपना फर्स्ट चॉइस दिए हैं और आपका इस बार सिलेक्शन हुआ है आईटीबीपी में, या 2024 की वैकेंसी में आप फर्स्ट चॉइस आपका आईटीबीपी में रहने वाला है, या आप लाइक करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो वीडियो को पूरा देखना, कहीं भी स्किप नहीं करना, हर एक पार्ट में आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट पार्ट, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, जरूर। ये आपके लिए 100% इन्फॉर्मेटिव चैनल है, विश्वसनीय चैनल है, और जरूर शेयर कर देना, लाइक कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आईटीबीपी, जैसे ही नाम लेते हैं आईटीबीपी, तो कन्फर्म होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। अब इसमें बॉर्डर लगता है और बीएसएफ में भी बॉर्डर लगता है। अब जैसे ही बॉर्डर लगता है तो हमको जहन में आना चाहिए कि हमारा काम बॉर्डर से रिलेटेड ही होगा, और इसमें भी आपका काम बॉर्डर से रिलेटेड ही होता है। अब आईटीबीपी को अगर याद करना है तो आपको याद करना पड़ेगा गलवान घाटी का वो अहिंसा जो चीनी सेना के साथ हमारे आर्मी का हुआ था। तो हम तो सब आर्मी को देखे थे वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर भी आपको आईटीबीपी मिलता है। अब आईटीबीपी कहाँ मिलता है? अब इसके नाम से लगता है इंडो चाइना, तो जहाँ पर भी चाइनीज़ बॉर्डर है, जहाँ चाइना, चाहे उत्तरी सीमा में जहाँ भी चाइना है, जहाँ चाइना से बॉर्डर लगता है, चाहे वो आपका अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे वो लेह लद्दाख हो, जहाँ भी चाइना का पार्ट आता है वहाँ आपको इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस मिल ही जाएगा, 100% मिल जाएगा आपको। ये अच्छा काम करते, चुस्त दुरुस्त, अगर आर्मी को सपोर्ट करते हुए, वहाँ पर आर्मी का सपोर्ट यही है, ये भी वहाँ पर आर्मी के लायक काम ही करता है। और सबसे बड़ी बात कि अगर हम इसके दुश्मन की बात करें, तो इसका दुश्मन मैं बताऊँ, कोई आतंकवाद नहीं है, कोई नक्सली नहीं है, कोई भी ऐसा कुछ गोली बंदूक से इसका कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं अगर हम चाइना से बात करते हैं तो चाइना पर हमारी एक ये है संधि है कि वो बिना हथियार से ही हमसे बात करेंगे, वहाँ पर गोली बंदूक अलाउ नहीं है, कोई भी नहीं चला सकता, नहीं तो आप चला सकते हैं, नहीं तो चाइना वाले चला सकते हैं। तो फिर खतरा वहाँ कहाँ आता है? तो वहाँ खतरा सिर्फ प्राकृतिक से है, वहाँ मेहनत जूझना सिर्फ प्राकृतिक से। हम सब देखते हैं वीडियो, हमेशा आप 26 जनवरी का वीडियो देखते होंगे, जब वो कितना लगभग 4-5 हज़ार फिट पे झंडा फहराने का वीडियो आता है, वो आईटीबीपी ही होता है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो कभी यूट्यूब में देखना आईटीबीपी का झंडा फहराने का, आप अगर फ़ैन हो जाओगे, आप मान जाओगे कि ये बल अद्भुत है, ये बल कुछ भी कर सकता है, वो बल जो कि इतने हजार फीट पे झंडा फहरा सकता है पूरी शान के साथ, पूरे गर्मजोशी के साथ, तो अच्छा काम भी करता है। आपको अच्छा लगेगा अगर आप उस बल में जाने रहे हो और आप वो वीडियो देखते हो, तो आपको मन में जोश आएगा कि नहीं यार सच में ये अच्छा बल है। ये तो उस बल के मैं बताऊँ तो सुंदरता है, या इसका बहादुर है, जिस बहादुरता है जो हम आपको बताया। लेकिन अब आता है कि सर इसका ड्यूटी क्या है? इसका ड्यूटी बॉर्डर पर ही होता है। और आप अगर अर्धसैनिक बल की बात कर रहे हैं, तो अर्धसैनिक बल में मुझे लगता है कि 90% अभी जो ड्यूटी लगता है वो 8 घंटे, ज़्यादा कहीं नहीं लगता है। लेकिन कुछ कमेंट आता है कि सर ये फेक है, आपका 10-12 घंटा लगता है। मैं हमेशा बताता हूँ, कंडीशन और एरिया मायने रखता है कि आप किस एरिया में ड्यूटी कर रहे हैं, किस कंडीशन में ड्यूटी कर रहे हैं। और जब आप जाएंगे फौज में, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। कुछ बात ऐसे होता है कि मैं खुलकर यहाँ नहीं बता सकता, और आप समझ सकते हैं कुछ सुरक्षा के लिहाज वो सही नहीं है, लेकिन आप इतना समझो कि आपको कहीं हरासमेंट नहीं है, 8 घंटा का ड्यूटी ही आपको करना है, वो कैसे भी करना है 8 घंटा से करना है। और कभी कभी ऐसे कंडीशन आएगा तो आप 10-12 घंटा करोगे, लेकिन ये क्या, अगर हम ड्यूटी करने के लिए रोए या ड्यूटी कैसे करें क्या करें, तो क्या फौजी, हमको रोना तो है नहीं, हम देश सेवा के लिए अगर जा रहे हैं, ड्यूटी करना हमारा धर्म है और करना भी चाहिए। ये हमारी ड्यूटी लगभग 8 घंटा का। अब बात करें सर, क्या पढ़ने का मौका मिलता है? भाई साहब बहुत मौका मिलता है, अगर आप आईटीबीपी में सेलेक्ट हुए हैं आपको बहुत सारा मौका मिलेगा पढ़ने के लिए, आपको कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता है, पढ़ो। अगर मैं हमेशा मतलब इससे पहले एक वीडियो बनाया था, अगर आप पढ़ने वाले हैं तो आपको हर एक टाइम पढ़ने का मौका मिलेगा,
आप अपने घर पर भी बिजी रहते हैं क्या? आप घर पे 8 घंटा काम नहीं करते, कर ही लेते हैं? अगर आप पढ़ने वाले होंगे तो वहाँ भी टाइम निकाल के आप पढ़ोगे, वहाँ बहुत टाइम मिलता है। तो ये होता है पढ़ने का टाइम मिलता है? हाँ मिलता है, 100% मिलता है। उसके बाद आता है कि सर हमारा छुट्टी कितना होता है, क्या ITBP में कोई विशेष छुट्टी का प्रावधान है? नहीं, ये भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और जो अदर पैरामिलिट्री पर रूल लगता है वही इस पर भी लगता है। इसमें भी आपको 60 दिन का IL, 15 दिन का CL मिलता है। हाँ लेकिन ये बात ज़रूर है कि आप जब भी ड्यूटी से छुट्टी मांगोगे आपको टाइमली मिल जाएगा, उसमें लेट नहीं किया जाएगा, आपको टाइमली छुट्टी मिल जाएगा। ये मन में डर हटा लेना कि यार मैं तो पहाड़ में रहूँगा, मैं बर्फ़ में रहूँगा, मुझे छुट्टी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 100% मिलेगा, इसके लिए आप कोई डाउट नहीं चलना। फैमिली फैसिलिटी, अब बहुत बार सर ऐसे बच्चे होंगे जो सोचते होंगे कि हमारी ज़िंदगी तो पहाड़ बर्फ़ इसी में कट जाएगा, तो मैं फैमिली के पास रह पाऊँगा कि नहीं? हाँ आप रह पाएंगे। अगर आपको 4 साल या 3 साल, 3 साल का जो हार्ड एरिया आता है अब वो काटने के बाद आपसे पोस्टिंग मांगा जाता है कि आप कहाँ रहना चाहते हैं, तो आप अपने चॉइस दे सकते हैं कि मैं इस GC में या इस RTC में या प्लेन एरिया में, जहाँ मैंने ट्रेनिंग किया था जोधपुर में, वहाँ मेरे बगल में ही एक ITBP का है, तो वहाँ भी फैमिली रहती थी, सबका फैमिली उनके साथ रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप ITBP में हैं तो हमेशा पहाड़ बर्फ़ ऐसे ही चढ़ना है, नहीं, आपके लिए प्लेन एरिया है, GC है, RTC है, आप वहाँ जाकर अपने फैमिली रख सकते हैं, बच्चे को अच्छे से शिक्षा केंद्रीय विद्यालय में दिलवा सकते हैं। तो इसका भी टेंशन आप अपने दिमाग में हटा लें कि फैमिली नहीं रख सकते हैं। उसके बाद आता है कि सर सैलरी क्या रहता है? तो अब ऐसा समझिए, अगर आप ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद कम से कम, अगर बहुत कम होगा तो 40+, और ज़्यादा से ज़्यादा वो आपका रिस्क अलाउंस पर डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में सेवा दे रहे हैं। अब जैसे किसी हार्ड एरिया में जाएंगे तो आपका रिस्क अलाउंस बढ़ जाएगा और वहाँ 17,300 मिलेगा, जैसे हर एक पैरामीटर का है, लेकिन कम से कम 40,000+ तो आपका सैलरी कन्फर्म रहेगा। अगर रिस्क अलाउंस कम रहा तो, अगर रिस्क अलाउंस 17,300 रहा तो 50+ आपको सैलरी मिलेगा, यह आप 100% सैलरी के लिए दिमाग से हटा दो। अभी अगर आपके पास कोई डाउट है ITBP के लोग के, और आप ITBP से अभी भी कोई प्रॉब्लम में है, तो आप प्यार से कमेंट जरूर करना, जरूर बताना कि सर ये बताओ, मैं आपको उसका आंसर देने का पूरा कोशिश करूँगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।